मोहम्मद आतिक, कहाँ घर है? बड़ा प्यारा गाना गाया यार तुमने, तो हमको भाविक कर दिया, रुला दिया। जय हिंद साथियों, इस वक्त हम जहतमंदपुर में खड़े हैं, जो लालगंज तहसील के क्षेत्र में आता है। और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल है, नूरजहां और नाजमा, जिसके चेयरमैन जो हैं हाजी इसरार सर और हाजी अनीस सर हैं। और ये स्कूल शिक्षा जगत के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर अपना एक मुकाम रखता है। जिस तरीके से इस स्कूल ने इस क्षेत्र के अंदर शिक्षा को ऊंचाइयों तक पहुँचाया है, तो वो बहुत बड़ी बात है। और वहीं पर अगर आप देखेंगे तो हाजी इसरार और हाजी अनीस साहब की स्कूल में कितने बच्चे ऐसे भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। और आज यहाँ पर 15 अगस्त का झंडारोहण का दिन था, 8 बजे यहाँ पर झंडारोहण हुआ है, उसके बाद बच्चों के प्रोग्राम्स भी हैं, और उसके बाद अब ये बच्चे गाँव में निकलेंगे। और अगर हम आपको दिखाएं तो वो देखिए कि आज पूरे भारत देश के अंदर एक जश्न का माहौल है। वहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं, वो शायद सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, जो तिरंगा यात्रा लेके निकले हैं। और अब से थोड़ी ही देर में नूरजहां और नाजमा के जो स्कूल के दोनों बच्चे हैं, वो इस गांव के अंदर निकलेंगे तिरंगा यात्रा लेके, तिरंगा फैलाएंगे, और हम आपको वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो चलिए अब स्कूल के अंदर का हम आपको माहौल दिखाते हैं। तो ये जैसा इससे पहले हमने आपको दिखाया था, अब ये देखिए यहाँ से यात्रा निकल चुकी है, तिरंगा यात्रा। इस स्कूल के जो मैनेजर है, चेयरमैन है, हाजी इसरार सर हैं, प्रिंसिपल हैं, और असद इनके उस्ताद जो टीचर है वो हैं, ये सारे लोग निकल चुके हैं तिरंगा यात्रा। और अगर हम पीछे आपको दिखाएंगे तो एक बच्चे ने टीपू सुल्तान का रूप धारण किया है, तो दूसरी बच्ची ने वहीं पर रानी लक्ष्मीबाई का रूप धारण किया है, क्योंकि जंग आज़ादी में इन दोनों लोगों का बहुत बड़ा किरदार था देश को आज़ाद कराने में। तो ये देखें, ये रानी लक्ष्मीबाई आगे आगे चल रही हैं और उनके पीछे टीपू सुल्तान चल रहे हैं। और उसके बाद स्कूल के बच्चे हाथ में तिरंगा लिए हुए, हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए तिरंगा लिए हुए बच्चे सारे चल रहे हैं। और ये तिरंगा यात्रा गाँव में पूरे जहतमंदपुर और दौना, ये दोनों गाँव के अंदर ये तिरंगा यात्रा घूमेगी। ये देखिए बैंड की टीम आ गई है, ये आगे स्कॉट जा रहा है और उसके पीछे परेड करते हुए स्कॉट निकल रहा है, और उसके पीछे आ रहे बच्चों की एक बड़ी तादाद आ रही है सामने से, हम आपको दिखाते हुए चलते हैं। स्कॉट आगे जा चुका है, आप देख सकते हैं कि एक डिसिप्लिन के अंदर, जैसे एक तिरंगा का सम्मान करना चाहिए, एक स्कूल का एक डिसिप्लिन होता है, उस डिसिप्लिन के अंदर ये यात्रा निकल रही है। अब पीछे अगर हम आपको दिखाएंगे तो एक बहुत बड़ा तिरंगा झंडा है और बच्चों ने उसे उठा रखा है। आप ये देखेंगे, ये तिरंगा यात्रा निकल चुकी है स्कूल से और ये पूरे गांव में घूमेगी, हम आपको दिखाते हुए चलते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। और ये देखें कि ये झंडा लेके बच्चे अब निकल चुके हैं गांव की तरफ और ये पूरे गांव के अंदर घूमेंगे। अब पीछे अगर आप ये देखेंगे तो ये दूसरी टीम निकली है पीछे, जिसमें आपको एक बच्चा मंगल पांडे दिखेगा, अगस्त सिंह दिखेगा। ये देखिए ये ट्रैक्टर के ऊपर जा रहे हैं, ये मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। ये और ये बहुत ही अच्छी चीज है कि हमारे जो पूर्वज हैं, जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है, कि कम से कम हम उनकी उषा को इख्तियार करें और उनको याद करें इस आजादी के दिन, क्योंकि ये ऐसा त्यौहार है 26 जनवरी और 15 अगस्त, जो ये सारे धर्म सारी जाति के लोग मिल के मनाते हैं, और ये पूरे भारतवर्ष का त्यौहार है। क्योंकि त्यौहार तो बहुत सारे होते हैं, लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं, लेकिन ये एक त्यौहार ऐसे हैं, दो त्यौहार, कि ये पूरा भारत जोश और खरोश के साथ में मनाता है। और सबसे ज़्यादा इसमें अगर देखिए, अगर उत्साह किसी को दिखेगा तो बच्चों के अंदर दिखेगा, कि हर बच्चे के हाथ में तिरंगा है। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने ये कहा था कि हर घर तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा, तो वो बात सत्य साबित हो गई। कि आप ये देख लें कि आज ये नूरजहां और नाजमा गर्ल्स स्कूल के बच्चे की एक फौज निकली है और हर बच्चे के हाथ में तिरंगा है, और हर बच्चे ने किसी न किसी किरदार को इख्तियार किया है, जो जंग आज़ादी में जिन लोगों ने अपनी जान की आहुति दी, जो शहीद हुए,
तो उनको याद करते हुए, अब इससे पहले हमने आपको दिखाया था, अब ये देखें ट्रैक्टर टाली के ऊपर एक और टीम जा रही है बच्चों की, जिसमें कोई मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बना है, तो कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने हैं, तो कोई मदर टेरेसा बना है, तो कोई गांधी जी बना है, कोई नेहरू जी का रूप इख्तियार किया। और उसके बाद हमने अभी आपको दिखाया था कि इससे पहले बच्चों की फौज थी, अब ये देखिए बच्चियों की फौज जा रही है, स्कूल की बच्चियों की फौज है, और हर बच्ची के हाथ में तिरंगा आपको दिखेगा। और जंग आजादी में जो लोग शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी है, कहीं उसको इख्तियार कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि क्या रहे हम उनको याद करें जिनकी वजह से आज हमारे भारत देश को आजादी मिली है। तो किसी भी तरीके से याद करें, लेकिन उनको याद करें।